सूप्स तो आपने जिंदगी में बहुत पिए होंगे, पर जो सूप्स आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं उनकी तो बात ही कुछ अलग है। इस वीडियो में हम बनाएंगे 4 अलग अलग सात्विक सूप्स। सबसे पहले हम सीखेंगे चटपटे फ्लेवर्स वाला कच्चे पपीते का सूप। उसके बाद हम बनाएंगे सर्दियों के लिए परफेक्ट गाजर जीरे का सूप। फिर सात्विक कम्युनिटी में हिट 20 मिनट के अंदर अंदर बन जाने वाला क्रीमी पंपकिन सूप। और आखिर में हम बनाएंगे दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस टोमेटो सूप। दुनिया का सबसे पौष्टिक वो कैसे? बस देखते रहिए। रेसिपीज पे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, हम सोचते हैं कि सूप एक ऐसी चीज है जो हम अपने भोजन से पहले खाते हैं, लेकिन आज जो हम सूप्स बनाने वाले हैं वो इतने फिलिंग है कि आप उन्हें अपने लंच या डिनर के रिप्लेसमेंट में भी खा सकते हैं। इस वीडियो में सारी रेसिपीज 2 लोगों को सर्व करती है, तो आइए शुरू करते हैं कच्चे पपीते के सूप से, यानी रॉ पपाया सूप। इस सूप की हर बाइट में इतने सारे अलग अलग स्वाद मुंह में आते हैं कि ऐसा लगता है कि मुंह में फ्लेवर्स का डांस चल रहा है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ ऐसे दिखने वाला कच्चा पपीता। ये बाहर से हरा और अंदर से सफ़ेद होता है। सबसे पहले हम पपीते के छिलके को उतार कर उसको मोटा मोटा कुछ इस तरह काट लेंगे। टोटल में हमें 3 कप छिला और कटा हुआ पपीता चाहिए। 3 कप के लिए आपका लगभग 1 छोटा पपीता लग जाएगा। अब इस कटे हुए पपीते को थोड़ी देर स्टीम होने दें, जब तक वो थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसे इस तरह छन्नी और पतीला यूज करके भी स्टीम कर सकते हैं। चलिए जब तक पपीता स्टीम होता है हम अपने सारे मसाले तैयार कर लेते हैं जो इस सूप में फ्लेवर लाते हैं। एक छोटा पतीला ले लें और उसे मीडियम आंच पर रख दें। अब इसमें डालें आधी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 टीस्पून धनिया के बीज, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 1.5 टेबलस्पून ताज़ी कटी हुई लेमन ग्रास। इन्हें एक साथ भून लें। फिर इसमें 1/4 कप पानी डालें और 2-3 मिनट तक और पकाएं। आप शायद सोचे लेमन ग्रास ये कहाँ से मिलेगी? एक्चुअली लेमन ग्रास एक ऐसा पौधा है जो आप अपनी बालकनी या छत पर बहुत आसानी से उगा सकते हैं। आप अपने मालिक को ये पौधा लाने के लिए बोल सकते हैं या फिर किसी भी नर्सरी से खरीद के ला सकते हैं। ये आपको 100-200 रुपीस में आसानी से मिल जाएगा और आप इसको बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज में भी यूज़ कर सकते हैं। लगता है हमारा पपीता भी पक गया है, इसे थोड़ा ठंडा होने दें। बस अब इस मिक्सचर को एक मिक्सी में डालें और उसमें स्टीम किया हुआ पपीता, 2 कप पानी, 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस और 2 टीस्पून सेंधा नमक डाल लें। सारी सामग्री को स्मूथ होने तक मिक्स करें। फिर इसे एक बड़े बोल में निकाल लें और परोसने से ठीक पहले सूप में 1 कप नारियल का दूध डालें। नारियल दूध इस सूप को क्रीमी बनाता है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। ये बस 10 मिनट में बन जाता है। ध्यान रखें कि आप इसे हमेशा घर में बनाएं। पैकेट वाला दूध कभी ना यूज़ करें। नारियल दूध बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप कटा हुआ नारियल और 2 कप पानी। इन्हें बस मिक्सी में पीस ले और फिर एक पतले सूती के कपड़े से छान ले। हमने नारियल के दूध पर एक अलग वीडियो भी बनाई है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। तो सूप में सिर्फ 1 कप नारियल का दूध मिलाना है और फिर उसे ऐसे मिला लें। फिर बस इसे सर्व करें और ऊपर से डालें 1/4 कप ताज़ा उबला हुआ कॉर्न यानी भुट्टे के दाने और 1/4 कप बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके सूप में सही टेक्सचर लाती है। लीजिए, तैयार है हमारा पपीते का सूप। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये सूप बहुत पसंद आता है। मेरे घर में तो एक कटोरी में कोई रुक ही नहीं पाता। जब आप ये सूप्स बनाते हैं आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपको नारियल दूध को डालने के बाद कभी भी सूप को फिर से गर्म नहीं करना, क्योंकि सात्विक भोजन में हम कभी भी नारियल को गैस पर नहीं पकाते। और दूसरी बात, आपको सभी सूप्स बनाने के लिए मेजरिंग कप्स और स्पून यूज़ करने हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। ये घर पे पड़े कटोरी चम्मच नहीं यूज़ करने क्योंकि इनसे स्वाद नहीं आ पाएगा। तो प्लीज़ मेजरिंग कप्स और स्पून ही यूज़ करें, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। हमारा अगला सूप है, एनी गेसेस?
गाजर जीरे का सूप। अब तक हमने आपको साथ में गाजर मटर बनाना सिखाया, गाजर हलवा बनाना सिखाया, तो गाजर का सूप क्यों नहीं। इस सूप का कलर और टेस्ट दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों में हम ये सूप बहुत बनाते हैं। गैस पर एक पतीले को मीडियम आंच पर गर्म करें। उसमें डालें 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इन्हें अच्छी तरह चलाएं और मसालों के महकने तक भून लें। ध्यान रहे कि हमें इसमें कोई तेल या घी नहीं डालना, सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। सात्विक खाना बनाते समय हम मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं। मिट्टी के बर्तन बहुत ही बढ़िया हैं क्योंकि भोजन के पौष्टिक तत्वों को ये बनाए रखते हैं, तो हो सकता है तो इन्हें ज़रूर यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन नहीं हैं तो आप स्टील के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे मसाले तो भुन गए, अब हम इसमें डालेंगे 2 कप कटी हुई गाजर। ये सूप लाल गाजर से बेस्ट बनता है, लेकिन अगर लाल गाजर ना हो तो आप ऑरेंज वाली भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डालें 1 कप कटी हुई फूलगोभी। सभी सामग्री को पतीले में 5 मिनट तक पकने दें, बीच बीच में चलाते रहें। जब सब्जियां पक जाए तो उसमें 3 कप पानी और 1 बड़ा तेज पत्ता डाल दें और उबाल आने दें। पतीले को आधा ढककर रखें, आंच को मीडियम कर दें और 20 मिनट तक सारी सामग्री को पकने दें। हैंड ब्लेंडर की मदद से पतीले में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें जब तक वो एकदम स्मूथ ना हो जाए। अगर आपके पास हैंड मिक्सी ना हो तो आप नॉर्मल मिक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें 2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिला लें। फिर परोसने से ठीक पहले इसमें 1 कप नारियल का दूध मिलाएं और अच्छे से मिक्स कर लें। फिर बस इसे सर्व करें और ऊपर से डालें 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया और 2 टेबलस्पून कटे हुए पुदीने के पत्ते। पर्सनली मुझे इस सूप में पुदीने का टेस्ट तो बहुत पसंद है, तो इन्हें डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये हो गया हमारा स्वादिष्ट गाजर जीरे का सूप तैयार। जब आपका अगली बार डिनर में कुछ गर्म खाने का मन करे तो इस सूप को ज़रूर ट्राई करें। अब बारी आती है हमारे सबसे पॉपुलर सूप की। ये सूप सात्विक कम्युनिटी में सबका फेवरेट है, हमारा क्रीमी पंपकिन सूप यानी कद्दू का सूप। हमें पता है कि कद्दू का नाम सुनते ही आपके मन में वो बोरिंग सी कद्दू की सब्जी आती है, पर ये सूप खाने के बाद आप हर हफ्ते अपनी सब्जियों की लिस्ट में कद्दू लिखना कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या है? ये कद्दू का सूप है। अरे कद्दू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे खाकर तो देखो। अरे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कद्दू ऐसा कभी टेस्ट कर सकता है। ये तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत टेस्टी है। सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 किलो लाल पका हुआ कद्दू। आप याद रखिएगा कि आपको ऐसे अंदर से लाल वाला कद्दू लेना है। अगर आप ये सूप हल्के पीले कद्दू या हरे कद्दू से बनाएंगे तो उतना टेस्टी नहीं बनेगा। पहले हम कद्दू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ऐसा करने से ये जल्दी स्टीम हो जाते हैं। कद्दू के छिलके में बहुत पोषण होता है, तो इसीलिए हम इसका छिलका नहीं उतारेंगे। अब कटे हुए कद्दू को एक स्टीमर में डाल दें और 20 मिनट तक स्टीम होने दें। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह छन्नी और पतीला यूज़ करके भी इसको स्टीम कर सकते हैं। जब कद्दू स्टीम होकर सॉफ्ट हो जाए तो इसे मिक्सी में डाल दें और उसमें डालें 3 कप नारियल का दूध, 1/2 टीस्पून सूखी रोजमेरी, 2 टीस्पून सूखे थाइम के पत्ते, 2 टीस्पून सेंधा नमक और 1/2 छोटी हरी मिर्च कटी हुई, और बस घुमा दें मिक्सी और सूप को क्रीमी और स्मूथ होने तक मिक्स करें। रोजमेरी और थाइम को मेजरिंग स्पून से नाप के ही डालें। ज़्यादा डाल देंगे तो आपका सूप कड़वा हो जाएगा। आप शायद सोचें ये रोजमेरी और थाइम क्या है। ये कुछ सूखे पत्ते होते हैं जो हमारे सूप को फ्लेवर देते हैं। ये आपको बहुत आसानी से अमेजोन पे मिल जाएंगे। एक डब्बा करीब 100 रुपीज़ का आता है और करीब 4-6 महीने तक चल जाता है। आप चाहे तो ताज़ा थाइम और रोजमेरी भी यूज़ कर सकते हैं। ताज़ा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा डालना होगा, 2 टेबलस्पून ताज़े थाइम के पत्ते और 1 ताज़ी रोजमेरी की डंठल। अगर किसी भी कारण आप रोजमेरी और थाइम ना अरेंज कर पाए तो कोई बात नहीं, आप बेजिल, ओरिगेनो या पुदीने के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर के लिए।
बस ब्लेंड करने के बाद सूप को कटोरों में निकाल दे। कुछ तो कमी है। यस, टॉपिंग्स। सूप में टॉपिंग्स डालना बहुत जरूरी है। हम डालेंगे आधी लाल शिमला मिर्च लंबी लंबी कटी हुई और 1/4 छोटा नारियल, ये भी लंबा लंबा कटा हुआ है। 2 टेबलस्पून कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स। टॉपिंग्स आपके सूप में क्रंच लाती है, इनके बिना पूरा मज़ा नहीं आ पाता। तो ये हो गया हमारा पम्पकिन सूप भी रेडी। आपको पता है जब हम ये रेसिपी पहली बार डिवेलप कर रहे थे हमें ये बिल्कुल नहीं पसंद आई थी, लेकिन एडजस्ट करते करते 9-10 बार 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 बनाए और फिर जब ये एकदम परफेक्ट हो गए तो सबकी फेवरेट बन गए। सब सूप में ये पम्पकिन सूप मेरा पर्सनल फेवरेट है। फाइनली अब हम बढ़ेंगे अपनी आखिरी रेसिपी पे, दुनिया का सबसे पौष्टिक टोमेटो सूप। टमाटर एक ऐसा फल है जिसमें बहुत पौष्टिक तत्व भरे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इन पौष्टिक तत्वों को आग के संपर्क पे लाते हैं ये एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। और हम जो टोमेटो सूप आज तक बनाते आए हैं उसमें हम टमाटरों को पका पका के उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स ही निकाल देते हैं, लेकिन आज जो हम टोमेटो सूप बनाएंगे उसमें हम टमाटर को पकाएंगे नहीं, बस कुछ देर गर्म पानी में भिगोएंगे ताकि आपको टमाटर का पूरा पोषण मिल पाए। 8 मीडियम साइज के टमाटर लीजिए और उन्हें 15 मिनट के लिए गर्म पानी में डुबाएं और उन्हें प्लेट से ढक दें। 15 मिनट के बाद उनका छिलका निकाल दें और अंदर से बीज वाला हिस्सा हटा दें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। फिर एक पतीला लें और उसे मध्यम आंच पर गर्म करें। फिर हम उसमें डालेंगे 1/4 कप कटी हुई लौकी, 1/4 कप कटी हुई गाजर, 1/4 कप आलू, 1/4 कप लाल शिमला मिर्च और 1.5 कप पानी। फिर पतीले को ढक दे और सब्जियों को 15 मिनट तक पकने दे। फिर पतीले में पक रही सब्जियों और पानी को एक मिक्सी में डालें। साथ ही मिक्सी में छिले हुए बीज रहित टमाटर और 1/2 टीस्पून सूखी रोजमेरी भी डालें। स्मूथ होने तक सारी सामग्री को एक साथ पीस लें। आखिर में उसमें डालें 3/4 टीस्पून सेंधा नमक, 1/4 काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून ऑरेगेनो की सूखी पत्तियां। बस ये हो गया आपका खट्टा मीठा और सुपर हेल्दी टोमेटो सूप भी तैयार। तो ये हो गए हमारे चारों सूप्स रेडी। अब बस इंतजार किस बात का, आज ही डिनर में ये सूप्स ट्राई करें। और अगर आप ऐसे और बहुत सारी रेसिपीज जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से सात्विक फूड बुक आज ही ऑर्डर करें। इसमें आपको मिलेगी सूप, सैलेड्स और मेन कोर्स से लेकर स्मूदीज, आइसक्रीम्स और डिजर्ट्स तक की सात्विक रेसिपीज। और अगर आप सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें जो हर सैटरडे होस्ट होती है, जिसमें आप इस लाइफस्टाइल की डिटेल्ड नॉलेज ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।